नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आरती। कैमूर के मोहनिया पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है और इस मामले में संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहनिया के लोहा शर्मा और अनमोल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक नवनिर्मित देसी कट्टा, 5 अर्धनिर्मित बैरल बॉडी, 2 पीस जिंदा गोली और 8 खोखा तथा निर्माण सामग्री भारी मात्रा में बरामद किया है। मोहनिया डीएसपी फैज अहमद खान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम बनाकर अवैध शराब, हीरोइन और अवैध हथियार कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनिया के आलाडी आवारी गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री चल रहा है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनमोल कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसके निशानदेही पे अन्य दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम आपको बता दें कि उनके घर से काफ़ी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध हथियार, गोली, खोखा और हथियार बनाने का औजार और 9 से 10 हज़ार नकद रुपया भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक कैमूर के निर्देशन में दिनांक 11/2021 को अवैध शराब, हीरोइन, अवैध हथियार कारोबारियों एवं उनके निर्माताओं के विरुद्ध छापामारी हेतु मेरे नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया, जिसके सदस्य पुलिस इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष मोहनिया एवं डीयू प्रभारी संतोष कुमार एवं अन्य लोग। प्राप्त सूचना के आलोक में छापामारी क्रम में एक अपराधकर्मी अनमोल कुमार को ग्राम आलाडी से गिरफ्तार किया गया। ग्राम अनमोल कुमार से पूछताछ क्रम में उसने कुछ बातों को स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर ग्राम मुढ़हरिया से लोहा शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा का छापामारी की गई। यहां से बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, गोली, खोखा, हथियार बनाने के सामान एवं एक पूर्ण रूप से निर्मित हथियार, 9130 रुपया और एक मोबाइल